हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हम आपको बताएंगे काली मिर्च का पनीर कैसे बनाते हैं, बिल्कुल होटल जैसा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले काली मिर्च का पनीर बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए दही। तो 1 कप हमने दही लिया है। यहाँ पे दही हमें पतला नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है हमें। 2 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे अरारोट। अरारोट की जगह आप मैदा भी 2 चम्मच इसमें डाल सकते हो। आधा चम्मच काली मिर्ची हम डालेंगे। आधा चम्मच भर के हमें नमक डाल देना है इसमें, और तीनों चीज़ों को ना अच्छे से हमें इसमें मिला देना है। तो लीजिए, तीनों चीज़ अच्छे से मिला दी हैं हमने। अब काली मिर्च का पनीर बना रहे हैं तो पनीर तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इधर हमने ले लिया है पनीर, ये पहले से हमने कट करके रखा था, 1 पाव पनीर था ये। पनीर जब भी काटें तो थोड़े बड़े पीसों में ही काटें पनीर को, इस बात का ध्यान रखें। अब दही में हमें पनीर को डाल देना है और अच्छी तरह से पनीर को दही में हमें मिला देना है। फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार काली मिर्च का पनीर बनाओगे तो इसका टेस्ट नहीं भूल पाओगे, बहुत पसंद आएगा सभी को। तो देखिए, पनीर और दही की अच्छे से कोटिंग हमने कर दी है। अब इसे ना 20 मिनट के लिए हम रख देंगे, तब तक हम इसका मसाला बना लेंगे। तो मसाले में हमें यहाँ चाहिए 1 प्याज, 15-20 काजू, हरी मिर्ची और लहसुन की कली और अदरक का टुकड़ा। ये सारी चीज़ों को हमें एक बर्तन ले लेंगे इस तरह का, और थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा हमें बॉईल कर लेना है। ज़्यादा नहीं उबालना, बस थोड़ा ही उबालेंगे हम। तो देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ना गैस को बंद करके ठंडा कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं, और इधर मिक्सी का जार ले लेंगे। इसमें हम मसाले को डाल देना है हमें, थोड़ा पानी डालेंगे और इसे बंद करके हमें पीस लेना है। तो लीजिए, मसाला तो पीस गया है, और इधर 20 मिनट भी हो चुके हैं, पनीर अच्छे से कोटिंग हो चुकी है पनीर पे। अब इधर पैन ले लेंगे। पैन में आप ना तेल की जगह बटर भी डाल सकते हो, आपको जो ऑयल पसंद है ना वो डाल सकते हो इसमें। तो पैन ले लेंगे। पैन में 2 चम्मच हमने तेल लगा दिया, तेल हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, और इसमें पनीर को हमें डालना है। गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे, मीडियम गैस पे इसे हमें फ्राई कर लेना है पनीर को। हल्का सा ही फ्राई करेंगे हम, इस तरह से उलट पलट कर देंगे। अगर फ्रेंड्स हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखिए, पनीर तो फ्राई कर लिया है। अब इसे ना एक बर्तन में हमें निकाल लेना है, और जो बाकी पनीर बचा था ना, इसी तरह से वो भी हमें फ्राई कर लेना है। और इधर जो हमने दही उसमें पनीर में डाला था ना, जो बचा है वो हमें फेंकना नहीं है। इधर पनीर भी हमने फ्राई कर लिया है। अब 1 चम्मच हम तेल ले लेंगे, बड़ी चम्मच तेल है ये। और जो हमने पेस्ट बनाया था ना प्याज और काजू का, वो इसमें डाल देना है हमें, और अच्छी तरह से हमें भून लेना है। थोड़ा पानी डालेंगे इसमें, तेल की जगह आप घी भी ले सकते हो पनीर बनाने के लिए। और जो दही बचा था ना, वो इसमें हमें डाल देना है। बस दही डालते समय एक बात का ध्यान रखना है, कंटिन्यू हमें चलाना है थोड़ी देर, जब तक इसमें अच्छे से मसाले में उबाल ना आ जाए। तो देखिए, मसाले में उबाल आ गया है। अब हम गैस को थोड़ा मीडियम कर देंगे, मीडियम गैस पे मसाले को भुनने देंगे। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देना है हमें, नमक हमने पहले भी डाला था ना, इस बात का ध्यान रखना है। काली मिर्ची डालेंगे 1/2 चम्मच, जी मसाला भुन गया है। अब इसमें हम डाल देनी है सफ़ेद इलायची, थोड़ी सी दरदरी करके सफ़ेद इलायची का पाउडर हमने डाला है इसमें। मसाला भुन गया है, इससे अच्छी खुशबू आने लगी है। अब इसमें हमें डाल देना है पनीर। सारा पनीर डालने के बाद अच्छी तरह से मसाले में पनीर को हमें मिला लेना है। बहुत टेस्टी पनीर बनेगा फ्रेंड्स, एक बार जरूर बनाएं इस तरह से।
थोड़ा इसमें डालेंगे हम पानी, आधा कप के करीब पानी हमें डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम। अब इसे दबा के ना 2 मिनट हम बनने देंगे पनीर को। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं, पनीर हमारा बन गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पे इस तरह से बनाइए, बनाने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक